नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा विकट जो परिस्थितियां हैं या सूखे की जो स्थिति है वो खास तौर से बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बनी हुई है, जिसके अंतर्गत बीकानेर ज़िले के अंदर, जैसलमेर ज़िले के अंदर, बाड़मेर ज़िले के अंदर और जोधपुर ज़िले के अंदर बहुत ही कम बारिश की गतिविधियाँ जो देखने को मिली है। इसके साथ साथ में उत्तरी राजस्थान के अंदर भी ज़बरदस्त जो बारिश की कमी है वो पिछले काफ़ी दिनों से जो बनी हुई है। साथ ही साथ बात करें तो हालांकि पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर या दक्षिणी राजस्थान के अंदर ठीक ठाक या कुछ स्थानों के पर खास तौर से कोटा संभाग या जयपुर संभाग के अंदर अगर बात करें तो सामान्य से भी काफ़ी कई गुना जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हैं वो पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली है। लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर किस तरह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो खास तौर से राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकती है आगे आने वाले लगभग 10 दिनों के अंदर, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जो बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना कि आप जो है वो राजस्थान के अंदर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और फिलहाल किस तरह का जो मौसम है वो आपके एरिया के अंदर जो बना हुआ है। सबसे पहले फिलहाल अगर बात की जाए तो जो मानसूनी ट्रफ है वो राजस्थान से काफ़ी ऊपर यानी पहाड़ी इलाकों के आसपास जो बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ आगे आने वाले लगभग 24 घंटों तक जो है वो हो सकता है कि आपको ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर जो न देखने को मिले। एक सिस्टम जो कि अभी भी जो है वो राजस्थान के अंदर बारिश करवाने के अंदर सहायक हो सकता है वो ये है कि अरब सागर से जो एक तरह से जो फ्लो है नमी वाली हवाओं का वो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बात करें तो 13, 14, 15 तारीख को बारिश की गतिविधियां जो है वो जालौर के अंदर, इसके साथ साथ में जो है वो सिरोही ज़िले के अंदर, कुछ बाड़मेर के इलाकों के अंदर, कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों के अंदर, जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, इसके साथ साथ में राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों के अंदर जो देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय जिस तरह से फसलें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से या बारिश की कमी की वजह से ख़त्म होती जा रही है, उसको जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो बचत हो सकती है, राहत मिल सकती है। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये लगभग 13, 14, 15 तारीख को आपको जो देखने को मिल सकती है। तब तक लगभग जो उत्तरी राजस्थान के अंदर बात करें तो लगभग 15 तारीख तक मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है। 15 तारीख के आसपास ही एक WD जो है वो उत्तर भारत के अंदर आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के अंदर 15, 16, 17 तारीख को आपको हल्की से मध्यम चितराई बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर आपको कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ बारिश भी जो देखने को मिल सकती है। इसी दौरान यानी 15 तारीख के आसपास ही नागौर के कुछ क्षेत्रों के अंदर, सीकर के अंदर, अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, इन जिलों के अंदर भी इस WD का जो असर है वो हल्की बारिश के रूप में आपको जो देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर जो अपडेट है वो लगभग 15-16 तारीख के लिए निकल करके सामने आ रही है। यानी ओवरऑल बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर 13 तारीख से उत्तरी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर लगभग जो है वो 15 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर अभी लगभग 2 से 3 दिन मौसम जो है वो लगभग शुष्क बने रहने का अनुमान है। एक बंगाल की खाड़ी के अंदर जो सिस्टम बन रहा है उसका असर राजस्थान के अंदर जो है वो लगभग 17-18 तारीख के आसपास से लेकर के और लगभग जो 20, 22, 23 तारीख तक आपको देखने को मिल सकता है, जिसके अंतर्गत जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से उम्मीद यही है कि दक्षिणी राजस्थान या मध्यवर्ती राजस्थान के साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान तक जो है वो हल्की से मध्यम बारिश के रूप में या चितराई बारिश के रूप में आपको जो देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर जो अपडेट है वो राजस्थान के मौसम से संबंधित लगभग आगे आने वाले लगभग 7 से 10 दिनों के लिए निकल करके सामने आ रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।